यूपी में किसानों को साधने की कोशिश में बीजेपी लगातार जुटी हुई है। 18 सितंबर को बीजेपी यूपी में किसान सम्मेलन करेगी। लखनऊ में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। खबर यह है कि सम्मेलन में गन्ना मूल्य बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन पर हुए हर जिले में 71 किसानों को सम्मानित भी बीजेपी के द्वारा किया जाएगा। तो अशोक तिवारी, जो 2022 के लिए रणनीति बन रही है उसमें केंद्र में किसान ही है बीजेपी के। देखिए, निश्चित तौर पर किसान इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा खासतौर पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी अभियान का आगाज किया तो वहां सभी किसानों को एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की गई। अब बीजेपी की तरफ से रणनीति बनाई गई है कि 18 सितंबर को राजधानी लखनऊ में बड़ा किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम सारे मंत्री, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मंत्री जो बनाए गए हैं उनको वहां पर मौजूद रहना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा और उसमें किसी केंद्रीय स्तर के मंत्री को भी बुलाने पर विचार फिलहाल किया जा रहा है। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हर जिले में किसानों को सम्मानित किया जाएगा। 18 सितंबर को बड़ा किसान सम्मेलन राजधानी लखनऊ में आयोजित होगा, जिसमें पूरे प्रदेश से किसानों को आमंत्रित किया गया है। बीजेपी की तरफ से, जो बीजेपी का किसान मोर्चा है, उसकी तरफ से पूरा आयोजन फिलहाल किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कृषि कानूनों की जो नाराजगी है, गन्ना मूल्य की बढ़ोतरी न होना एक बड़ा मुद्दा इन दिनों बना हुआ है, जिसको विपक्ष भी उठा रहा है। तो किसानों के बीच में सरकार की तरफ से यह मैसेज देने की कोशिश होगी कि सरकार की तरफ से जो भी फैसले किए जा रहे हैं वो किसानों के हित में किए जा रहे हैं। और इस बात का भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से गन्ना बढ़ोतरी को लेकर भी उस दिन एक बड़ा ऐलान लखनऊ में किया जा सकता है, ताकि किसानों को बीजेपी के पक्ष में लामबंद किया जा सके। और जो ये जो अपोजिशन की तरफ से पूरा अभियान चलाया जा रहा है कि किसान विरोधी है बीजेपी सरकार, इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की कोशिश यूपी बीजेपी की तरफ से और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से 18 तारीख को देखने को मिलेगी।